हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दही की पकौड़े वाली कढ़ी। कुछ अलग तरीके से, नए अंदाज से बनाई एक जैसी जाती है और तरीका अलग अलग होता है। आइए बनाते हैं कढ़ी। तो सजने एक जैसी बनाते हैं, थोड़ा अपना अपना तरीका होता है बनाने का, अलग तरीका। मैंने बेसन में 50 ग्राम बेसन लिया था, एक प्याज लिया, हरा मिर्ची लिया, धनिया लिया और उसमें मैंने सौंफ डाली है एक चम्मच, आधा चम्मच जीरा, नमक, लाल मिर्च और मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इस तरह गोल बना दिया है। ये इस बार मैंने कढ़ाई रखी है, अब मैं इसके भजिए बनाऊंगी। इस तरह हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं, जिसको आप भजिए बोलते हैं। अब ये थोड़े करारे हो जाएंगे, फिर हम इसको दही की कढ़ी में डालेंगे। हम लेंगे इसी बर्तन में दही 50 ग्राम, इसको हम इस तरह से फेंट लेंगे, एक सेकंड में फेंट गया। अब हम इसमें मैंने ये 2 चम्मच भर के बेसन, इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधा चम्मच। अब हम इसमें पानी डालेंगे, और हम इसको पतला गोल बनेंगे। और हम अब गैस पर 1 चम्मच घी डाल दिया और इसको गैस चालू करेंगे। अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बाद में तड़के के साथ डालेंगे। और उसको पकाने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट। अब हमारा दही करी अच्छे से बन गया है, हमें इसी तरह ही चाहिए गाढ़ा। इससे पतला स्वाद नहीं आएगा, इससे ज्यादा गाढ़ा तो भी स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने पैन रख लिया है गैस पर, इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया घी। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले करी पत्ता। अब ये नाचना शुरू कर देगा, इसमें डालेंगे हम राई का तड़का लगेगा। अब ये जब उछलता है तब थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, ठीक है मानता है। इसमें डालेंगे हम जीरा चीरा, कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम घी, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे घुमा के देंगे तड़के को। इसमें अच्छा सा कलर आ गए और कच्चापन हट जाए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका कलर और ज्यादा अच्छा आ जाए। हल्दी डालेंगे, नमक हमने पहले नहीं डाला था, अब नमक डालेंगे 1 चम्मच। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
का कलर आया ना, अब ये कलर इसमें आएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसका ये रंग बुरी आ जाएगा तड़के में। हम इसमें डालेंगे पकौड़े। अब इसको हम उबालेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाल दिया। अब ये डालेंगे इसमें तड़का। अब आप इसको इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अब इसके ऊपर जाएगा खूब सारा धनिया। ये ऐसे ही गरम गरम करेंगे, गल जाएंगे पकौड़े, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाली थी।